हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस टाइप का कैप बनाना बताऊंगी। इस टाइप का कैप आप लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा है। तो मैंने पिछले दिन इस टाइप का एक लड्डू गोपाल का पोशाक अपलोड किया है वीडियो, इसके मैचिंग का मैंने ये देखिए कैप बनाया, ठीक है? तो बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग ने अभी तक ये मेरा लड्डू गोपाल का पोशाक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ईजी है एंड बहुत ही प्यारा है। देख रहे आप लोग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे वाइट, और इसका जो बॉर्डर मैंने बनाया है ये लिया है रेड कलर का। तो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से वाइट कलर ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए, सबसे पहले इस तरीके से हम लोग एक मैजिक रिंग बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने मैजिक रिंग बनाते हैं हम लोग, उस तरीके से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाया। बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने हम लोगों ने दो चेन लेना है, ठीक है? वन और टू। देखिए, दो चेन ले लिए। अब यहाँ जो वर्क करेंगे, यहाँ पर हम लोग हाफ डबल क्रोचेट करेंगे, ठीक है? तो एक बल लिया, बल लेते हुए इसी में नेचर्स डालते हुए इस तरीके से फिर ये तीन लूप आए, तीनों को एक साथ निकाल दिए, इसको हाफ डबल क्रोचेट कहते हैं। तो देखिए, दो हो गया मेरा, एक मैंने बनाया है और एक दो का चेन लिया है। तो ये हम लोग दो का चेन को भी एक हाफ डबल क्रोचेट के हिसाब से काउंट करेंगे। तो दो हो गया है। फिर देखिए इस तरीके से, फिर हम लोग एक लेंगे, तीन, फिर एक करेंगे, चार। तो इस तरीके से टोटल हम लोग को यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोचेट बना लेना है, ठीक है? तो देखिए, चार हो गया मेरा, ये पाँच। तो इस तरीके से टोटल 12 हाफ डबल क्रोचेट बना लीजिए। ये 12 हाफ डबल क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पर जो मैंने दो का चेन लिया था, वन और टू, ये दो नंबर चेन में निडल्स को इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर एक सिल्फ स्टिच बना लेंगे। इस तरीके से देखिए, सिल्फ स्टिच बना लिए। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है, देख रहे आप लोग, ठीक है? अब देखिए क्या करना है। ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, 12 जो मेरा यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बनाया है, अब हमको ये 12 को 20 करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को हाफ डबल क्रोचेट ही बनाना है। तो पहले हम लोग वन और टू, देखिए दो चेन ले लिए। दो चेन लेने के बाद इस तरीके से बल लेते हुए यहाँ वर्क नहीं करेंगे, इसके बगल में जो चेन है इसमें निजस को डालेंगे, डालते हुए यहाँ एक बनाएंगे, हाफ डबल क्रोचेट बनाना। तो इस तरीके से हाफ डबल क्रोचेट मैंने एक यहाँ बनाया और उसके बाद में एक यहाँ बनाया। उसके बाद फिर एक बल लेंगे, फिर उसी लूप में जहाँ मैंने हाफ डबल क्रोचेट बनाया उसी लूप में फिर एक बार और बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए, तीन हो गया है। फिर हम लोग हर चेन में दो दो बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है? इस तरीके से हर चेन में हम लोग दो दो बार हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर दो बनाया, फिर मैंने नेक्स्ट में फिर दो हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, देखिए, पहले वाला जो आप लोगों का चेन है उसमें एक बनाएंगे और लास्ट में जो हम लोग का चेन रहेगा उसमें एक बनाएंगे, ठीक है? बाकी जो बीच में जो मेरा चेन रहेगा, तो यहाँ टोटल 12 था, 12 का शुरू में एक बनाया और लास्ट में एक बनाया, तो मेरा दो कट गया, यानी कि 10 रहा। अब 10 के ऊपर हम लोग को दो दो बार बनाना है, ठीक है? तो मेरा 20 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को 20 डबल यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बना देना है, ठीक है? तो देखिए, फिर नेक्स्ट में हम लोग दो बनाएंगे, एक और एक दो। फिर नेक्स्ट में हम लोग दो बनाएंगे। इस तरीके से काउंट करते करते हम लोग पूरा 20 यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बना लेंगे, ठीक है? फिर आगे क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 20 हाफ डबल क्रोचेट बना लिया। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, देख रहे आप लोग, 20। अब देखिए, फिर हम लोग दो नंबर चेन में इस तरीके से नेजर्स को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लिया। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोगों को जो करना है वो हम लोगों को बैक लूप में करना है, ठीक है? तो बैक लूप फ्रंट लूप किसको कहते हैं आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर मैंने दो राउंड हाफ डबल क्रोचेट का बनाया है, अब जो हम लोग को राउंड बनाना है वो डबल क्रोचेट का बनाना है। तो इस तरीके से बल लेंगे, सबसे पहले इस हम लोग को चेन बनाना है। तो एक, दो और तीन, देखिए तीन का चेन मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब बनाने के बाद देखिए इस तरीके से बल लेना है। बल लेते हुए हम लोग का देखिए ये पूरा एक चेन होता है, ये देखिए ये पूरा एक चेन है,
इसको छोड़िए, इसको देखिए, देखिए इस तरीके से ये पूरा चेन होता है, देख रहे आप लोग, ये चेन का जो ये पीछे का पोर्शन है इसको बैक लुक कहा जाता है, पीछे का पोर्शन को, और ये आगे का जो पोर्शन है ये उठाएंगे तो इसको फ्रंट लुक कहा जाता है, ठीक है। तो दो चेन में है, ये दो चेन में, ये दो जो चेन होता है पीछे का बैक और आगे का फ्रंट, ठीक है। तो हम लोग को इसको बैक लुक में काम करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर मैंने 20 हाफ डबल क्रोचेट बनाया, तो 20 के ऊपर 20 बार हमको बैक लूप डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए पीछे हम लोग इस तरीके से डालेंगे, बैक वाला में डालेंगे, और डालते हुए देखिए इस तरीके से बैक में डालेंगे एंड डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक के ऊपर एक बना लिए, फिर देखिए पीछे ये जो चेन है इसका पीछे वाला में इस तरीके से डालेंगे, डालते हुए यहाँ पर फिर एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो भी वर्क हम लोग को करना है पीछे डालते हुए का लूप में डालते हुए इस तरीके से हम लोग को डबल क्रोचेट बनाते जाना है। तो 20 के ऊपर हम लोग 20 बार टोटल बना लेंगे इस तरीके से, डबल क्रोचेट 20 के ऊपर 20 बार बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसका लूप कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसके 20 के ऊपर 20 आप लोग बना लीजिए। देखिए 20 के ऊपर 20 पर मैंने हाफ डबल क्रोचेट बना लिया है, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। और देखिए आप लोग यहाँ पर एक बॉर्डर टाइप का आया है, दिख रहा है आप लोगों को, इस टाइप का एक बॉर्डर आ रहा है। तो ये बैक लूप बनाने से इस टाइप का बॉर्डर आता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 3 नंबर चेन में इस तरीके से नीचे उसको डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये मेरा 3रा नंबर राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दो राउंड हम लोग को इसी तरीके से बैक लूप नहीं करेंगे, जैसे हम लोग डबल क्रोचेट बनाते हैं एज इट इज़ डबल क्रोचेट हर चेन में डालते हुए, यानी कि 20 डबल क्रोचेट, दो राउंड हम लोग को इस तरीके से बनाना है। तो देखिए 1 2 3 तीन चेन लिए, बल लिए, सेकंड चेन में जैसे डालेंगे, डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, जिस तरीके से डबल क्रोचेट हम लोग बनाते हैं एज इट इज़ वैसे। तो दो राउंड इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये टोटल, देखिए यहाँ पर मैंने 2 का हाफ डबल क्रोचेट बनाया है, फिर 3 राउंड मैंने डबल क्रोचेट का बनाया है, ठीक है। तो टोटल ये हो गया 3 और 2 5 राउंड। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 5 राउंड का मैंने बना लिया है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो बनाना है ये रेड कलर से मैं लोग हम लोग ये वाला जो है बॉर्डर ये बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से 5 राउंड मैंने बना लिया है, 1 2 3 4 5, देखिए 5 राउंड बन गया है। इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम लोग इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग व्हाइट कलर का ऊन लेंगे। तो व्हाइट कलर के ऊन को इस तरीके से हम लोग पहले नॉट लगाते हुए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से अटैच कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से अटैच कर लेंगे, करने के बाद देखिए 1 2 और 3 तीन चेन लेंगे। सबसे पहले तीन चेन लेने के बाद देखिए ये जो हम लोग को चेन दिख रहा है, ये वाला चेन, पहला वाला जो चेन दिख रहा है उसी में हम लोग को 2 बार डबल क्रोचेट और बनाना है, ठीक है। तो उसी में हम लोग 1 बार डबल क्रोचेट बनाएं और उसी लूप में फिर 1 बार, देखिए उसी चेन में बनाना है। एक बार मेरा ये 3 का चेन हो गया है, और उसी चेन में फिर नीडल्स को इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर 1 बार डबल क्रोचेट बनाएं, फिर उसी में डालते हुए 1 बार और। तो यहाँ पर टोटल मेरा 3 बार हो गया, 1 3 का चेन हो गया और 2 बार डबल क्रोचेट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक चेन लेंगे, ठीक है। एक चेन लेने के बाद फिर देखिए एक को स्किप करेंगे एंड सेकेंड में फिर 3 बार हम लोग को डबल क्रोचेट बनाना। तो 1 2 और 3 तीन बार डबल क्रोचेट बना लिया। बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद फिर एक नीचे एक चेन को स्किप करेंगे एंड सेकंड चेन में फिर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इस तरीके से हमको एक एक चेन लेना है, एक एक चेन लेना है बीच में, और एक एक चेन में 3 3 डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है, और नीचे एक चेन को स्किप करना है। तो इस तरीके से पूरा राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो मेरा ऊपर का बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने ये किनारी बनाया है, ये मैं किनारी आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है। देखिए राउंड के अंत में आके हम लोग एक चेन लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बना दिए हैं, फिर एक चेन लिए, एक चेन लेने के बाद 1 2 3 3 नंबर में इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे,
ठीक है। तो देख रहे हैं अब क्योंकि इस तरीके से बन गया है। अब देखिए किनारी बनाएंगे, जैसे मैंने ये ड्रेस का किनारी बनाया है, ड्रेस का किनारी बनाया है एज इट इज, वैसे ही किनारी बनाना है, ठीक है। तो चलिए किनारी बनाते हैं। तो किनारी के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक दो दो चेन लेंगे हम लोग, यहाँ पर तीन चेन नहीं लेंगे, दो चेन लेंगे। और ये जो लास्ट वाला है, देखिए लास्ट में इस तरीके से उठाएंगे, उठाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, इस तरीके से एक सिंगल क्रोचेट बनाएं। और उसके बाद देखिए ये चेन को स्किप करते हुए सेकेंड वाला जो चेन है इसमें नीचे से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। फिर एक दो दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद फिर देखिए इसको और इसको ये दोनों को उठाएंगे इस तरीके से। उठाने के बाद फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। इससे सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद फिर एक चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में इस तरीके से इसको जोड़ेंगे, जैसे मैंने किनारी बनाया था एज इट इज़ वैसे ही किनारी बनाना है। फिर देखिए एक दो दो चेन लेंगे, फिर नीचे से इस तरीके से दो को लूप को उठाएंगे, उठाते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, फिर एक चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में इस तरीके से नीचे से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा किनारी को हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो किनारी कंप्लीट करेंगे तो इसका लूप देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो यहाँ पर मैंने फ्लावर बनाया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पर जाके आप इस तरह का फ्लावर बना लीजिए और एक मोती के साथ यहाँ पर अटैच कर दीजिए सुई धागा के साथ, ठीक है। तो आपका इस तरीके से कैप रेडी हो जाएगा, देख रहे आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीका का आपका कैप और ड्रेस इस तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिए। अगर मेरा सिखाने का तरीका आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।